नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगे, तंदूली मछली। जैन शास्त्रों के अंदर तंदूली मछली की कथा का वर्णन आता है। एक बहुत बड़ा समुद्र था, उस समुद्र में अनेक रंग बिरंगी छोटी बड़ी मछलियां रहा करती थी। विश्व का सबसे बड़ा जानवर अगर कोई कहा जाता है तो व्हेल मछली को कहा जाता है। वो व्हेल मछली भी उसी समुद्र में रहा करती थी। व्हेल मछली इतनी बड़ी होती है कि जिराफ और हाथी जैसे बड़े जानवर भी उसके सामने चींटी की तरह नजर आते हैं। तो उस व्हेल मछली की आंख पे एक छोटी सी मछली ने जन्म दिया। वो छोटी सी मछली वो तंदूली मछली कही जाती है। तंदूली का मतलब होता है चावल के दाने का आकार। जो व्हेल मछली की आंख में जिस तंदूली मछली ने जन्म लिया उसका आयुष्य मात्र 48 मिनट से भी कम का था। वो आंख पर बैठी बैठी वो तंदूली मछली पूरी दुनिया को निहार रही थी। व्हेल मछली थी वो मुंह समुद्र में मुंह खोल करके बैठी हुई थी। वो छोटी सी तंदूली मछली देख रही थी कि पानी के बहाव के कारण बहुत सारी मछलियां उस व्हेल मछली के मुंह के अंदर आती और फिर वापस मुंह से बाहर निकल आती। यह सब देख करके वो तंदूली मछली विचार करने लगी, छाट ये कितनी मूर्ख मछली है, इतनी सारी मछलियां इसके मुंह के अंदर आ रही हैं और उनको वो जिंदा वापस छोड़ रही है। अगर इसकी जगह पर मैं होती तो एक भी मछली को जिंदा नहीं छोड़ती। मात्र उसने इतना खराब विचार सोचा ही था कि उस तंदूली मछली का आयुष्य पूर्ण हो गया और वो मरने के बाद सातवीं नरक में गई, जहां पर वह अरबों वर्षों तक दुखों का अनुभव करती रहेगी। तो हमारा कहने का अर्थ यही है कि अगर हम जैसे भाव रखते हैं वैसे ही हमारी गति होती है, जैसे उस तंदूली मछली की गति हुई। अगर हम अच्छे भाव रखेंगे तो हमारी अच्छी गति होगी और अगर हम खराब भाव रखेंगे तो हमारी खराब गति होगी। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।